हेलो लेजेंड आर्मी, तो वेलकम टू द माय न्यू वीडियो। तो भाई आपका स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। तो न्यू वीडियो में हम लोग टेरर टावर दिखाएंगे और टेरर टावर बनाने में जय भी हमारी बहुत मतलब हेल्प करेगा, ठीक है। तो भाई चलो तो स्टार्ट करते हैं मतलब टेरर टावर, और दिखा देता हूँ कैसे बनाएंगे और कैसे दिखेंगे, ठीक है। तो ये देख, तो भाई मतलब ऐसे आप टावर बना सकते हैं फ्लोटिंग। आपको लग रहा है ये तो कहाँ फ्लोटिंग है, बट भाई फ्लोटिंग टावर ही मतलब इतने ऊपर तक जाते हैं। देख लो, कोई भी नॉर्मल टावर तुम बनाओगे या फिर उसके ऊपर टेक पिलर करके भी बनाओगे तभी भी इतना ऊपर तक टावर नहीं जाएगा। भाई ये देखो 10 या 12 वोल्ट का टावर है, मतलब 12 वोल्ट का टावर इतना मतलब बड़ा है कि मतलब इतना ऊपर तक नहीं जाता। जो नॉर्मल टावर होते हैं ना वो लोग नहीं जाते, ठीक है। तो उसके लिए मतलब हम लोग बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है, ओनली नॉर्मली एक पिलर मतलब पिलर ले लेने बहुत सारे, और तुम्हें नॉर्मली कोई भी जगह पे मतलब ऐसे लगा देना है, ठीक है। जहाँ पे तुम्हें टावर चाहिए उसके आसपास, टावर के आसपास ही लगाना जहाँ पे तुम्हें टावर बनाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दूर भी मत लगाना। तो हम अब इसके ऊपर पूरा मतलब पिलर से जितने ऊपर ले जा सकते हो ले जाओ। फिर ऐसे अपने जो क्वार्टजिल का सेडल होता है ना उस पर स्पॉन पॉइंट एक मतलब ढूंढो, जैसे कि मैं ढूंढ रहा हूँ। देखो जैसे ऐसे ही स्पॉन पॉइंट ढूंढते रहो, मतलब 2-3 एंगल से ट्राई करो, हो जाएगा। और 2 लोगों की ज़रूरत है, अगर ना हो रहा हो तो एक टैप टैप करते जाओ, दूसरा अपना क्वार्टजिल हिला लो। अगर क्वार्टजिल हिला दोगे तो भी हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे खुद ही मतलब टैप करते गया तो मेरा एक बन गया। देखो सेडल हिल रहा है बट पिलर नहीं हिल रहा है, देखो हवा में पिलर उड़ता हुआ हमारा। तो वैसे ही आपको बहुत सारे मतलब करने, जैसे टावर बनाने मैंने भी मतलब 2 लोग हो गए तो जल्दी हो जाएगा। अगर 1 लोग करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, 2 लोग हो गए तो जल्दी हो जाएगा। तो भाई ये पिलर पूरा कंप्लीट कर देते हम, पहले नीचे से ठेक ऊपर तक ले लेते पहले। तो ऊपर तक हमने ले लिया है, ठीक है। तो अब आपको लेना है एक क्या बोलते हैं इसको, फ्रेम, अरे मेटल ट्रैप डोर फ्रेम, तो उसको ले लेना है। और ये मतलब ऊपर नहीं लग रही तो ऊपर का पिलर तोड़ देता हूँ, ठीक है। और फ्रेम ले लेना है और उसका जो डोर होता है ना वो एक बार ट्राई करना है लगा के, ठीक है। तो सीलिंग ऐसी लगाना है जिस तरफ डोर का नोच होता है ना, आगे का जो नोक होता है जिससे डोर खुलता है, वैसा जो हैंडल होता है डोर का, तो हैंडल जिस तरफ आ रहा है उसी तरफ तुम्हें सीलिंग लगानी पड़ेगी। मैं बताऊंगा क्यों लगानी है ऐसे, मतलब ऐसे लगाओगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो जिस तरफ डोर का मतलब जो आता है ना हैंडल उसी तरफ सीलिंग तुम्हें लगा दो। उसके ऊपर आ जाना है, ठीक है। तो उसके ऊपर आते ही मतलब क्या करना है तुमको, मतलब मैं नीचे से भी कंप्लीट करना बाकी था तो पहले वो कर देता हूँ, ठीक है। तो नीचे वाला पिलर ऐसे ही कंप्लीट करना है, बट तुमको एक यहाँ पे बात मतलब ध्यान पे लेनी है कि पिलर को नीचे ज़मीन तक टच नहीं करना है। अगर ज़मीन पे टच कर दिया तो ऊपर की सीलिंग और जो सब लगाया ना वो लगेगी नहीं, या फिर जो लगाए वो टूट जाएगा, ठीक है। तो नीचे टैप मतलब नीचे टच नहीं करना, और पास वाला पिलर तोड़ दो, अब उसका कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो पास वाला पिलर हम तोड़ देते हैं। तो अब ये बचा कि मतलब उसको ज़मीन पर टच नहीं करना है, और फिर यहाँ से आपको वॉल ड्रॉप कैसे करनी है, जो हैंड मतलब जो डोर होता है ना, डोर लगाओ, डोर का जो नॉच मतलब जो है ना हैंडल वो थोड़ा सा बाहर दिखना चाहिए, थोड़ा सा हैंडल बाहर दिखना चाहिए, वैसे मतलब ऊपर एक वॉल्ट गिराओ, ठीक है। तो वॉल्ट गिराने के बाद वो डोर को तोड़ दो, ब्रेक कर दो, मेटल जो ट्रैप डोर होता है ना, तो ट्रैप डोर को तोड़ते ही मतलब पूरी वॉल्ट नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो आप एक ही जगह पे खड़े खड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि सीलिंग तोड़नी पड़ती थी, लगानी पड़ती थी वगैरह पहले उसमें था, तो इसमें ट्रैप डोर ओनली लगाओ तोड़ो, मतलब ईजी रहता है भाई। तो ऐसे में पूरा मतलब टावर बना के आपको दिखाता हूँ, पूरा एक टावर बनने के बाद कैसा लगेगा टावर, ठीक है। तो पूरा टावर बनने के बाद मतलब एकदम भाई बढ़िया लगता है, और 2 लोग हो गए तो बहुत जल्दी काम ख़त्म होगा। मतलब अकेले रहोगे तो थोड़ी तकलीफ पड़ेगी भाई, मतलब उससे अच्छा है तो तुम 2 लोग हो तो जल्दी से हो जाएगा। और एक बार मतलब ऐसा मतलब स्पॉन पॉइंट मिल गया उसके बाद तो ईजी है भाई सारा। बस खाली ओनली थोड़ा है वो हैवी है वो, मैं तो आपको दिखाऊंगा एक मतलब थोड़ा हार्ड पॉइंट भी एक है। तो देखो टावर बनने के बाद ऐसा दिखे देगा, ठीक है। तो नीचे से आप देख सकते हो, और बहुत सारे 11 12 13 शायद वोल्ट है, ठीक है। तो ये कभी डीके हो गया तो पहले टावर बना के एक दिन छोड़ दो, उसके बाद जितनी डीके होती, देखो सामने मेरे टावर का डीके भी हो गया, तो उसको छोड़ दो, ठीक है। 2 दिन के बाद हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, 2 दिन के बाद अगर टावर डीके नहीं हो रहे तो ऐसे सीलिंग लगा दो जैसे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। 2 3 4 आपको जिस तरफ से लगाने ऐसे लगाओ। तो हमको यहाँ पे हमने 2 ही लगाई, ज़्यादा नहीं लगाई, और ये तीसरी लगा रहे, शायद हम लोग तो तीसरी लगा देते और नीचे और ऊपर एक एक मतलब लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे आपको मतलब हैच फ्रेम आती है ना वो बड़ी वाली, जॉइंट हैच फ्रेम बोलते हैं शायद इसको, तो जॉइंट हैच फ्रेम को आपको लगा देना, ठीक है। जैसे आपको मर्जी हो, एक सीलिंग पे 2 भी लगा सकते हैं, एक सीलिंग पे 4 भी लगा सकते हैं। मैंने ऐसा किया, एक सीलिंग पे 4 4 करके मतलब दोनों तरफ ऊपर नीचे 4 4 मतलब 8 लगा दी। जैसे एक हैच फ्रेम पे एक इरीटेरेट
आएगी तो 8 इरिटेटेड में मतलब एक टावर में बनेगी, 10 भी लगा सकते हैं, वो 8 लगाओगे तो अच्छा है, नीचे मतलब फाउंडेशन टेरेट बनाने के लिए थोड़ा मतलब मिल जाएगा पॉइंट। तो देखो बनने के बाद मतलब ऐसा दिखेगा आपको, मैंने पूरी चार चार लगा दी, ठीक है, तो चार ही चार लगने के बाद ऐसा दिख रहा है। अब चारों के मैं कॉर्नर कॉर्नर पे ही मैं ओनली इरिटेरिटी आई हुई सब लगाऊंगा, ठीक है, तो वो सब दिखाता हूँ कैसे लगाते, थोड़ा मतलब टफ रहता है, और मतलब क्वाड्रिल पे मतलब लगाता हुआ मतलब टफ रहता है। एक बार टावर पे चढ़ जाओ फिर सारी लगा दो एक तरफ। देखो मैं टावर पे चढ़ गया और ऐसे ही मतलब टप 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 करके लगा रहा हूँ, और मैं तो बोलता हूँ लगाते हो तभी भाई एमओ वेमो सब डाल दो, हाई रेंज जो भी करना है तुम्हें कर दो, फिर क्या है बार बार तुम मतलब गिरते रहोगे, मरोगे भी भाई ऊपर से गिरते हुए, ठीक है, तो बहुत मतलब वो रहेगा। उससे अच्छा है तुम मतलब जब भी लगा रहे हो तब भी जो भी सेट करना है पास जाके सेट कर दो भाई एक्सेस करके, ठीक है। तो मैं सारी लगा के मैं बहुत सारे टावर बनाए अपने बेस पे, 6 से 7 टावर बना लिए, 7-8 टावर बेस के आसपास, तो सारे टावर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब पहले सभी टेरेट लगा देते हैं और अब मैं आपको टावर दिखाता हूँ कि मतलब कैसा बना, और हमारा क्वार्टजिल पता नहीं वो भाग कहाँ रहा है, कि उसके ऊपर जय बैठा है या नहीं बैठा है पता नहीं। अब भाई वीडियो में बहुत हेल्प की हमारी जय ने, जय और मैंने दोनों ने मतलब एक टावर बनाए। और देखो सारे टावर बनने के बाद कैसा दिख रहे हैं, ये देखो पीछे सारे टावर हैं देख रहे हो, पूरा मतलब कवर कर दिया, ये नीचे भी है कि मेरे जाए, देखो ये जा नीचे, तो सारे टावर मतलब बनने के बाद एकदम मस्त लग रहा है। और पूरा बेस में मतलब ये बिल्लू ने पूरी वॉल लगा दी है, सारी मेटल जायंट मतलब मेटल वॉल, और हम वहाँ गए थे नीचे, ठीक है। तो भाई थैंक यू फॉर सब्सक्राइब, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया कर दो यार चैनल को, और ऐसी नई नई वीडियो मैं डालता रहूँगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई न्यू वीडियो, और भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू भाई जय का भी, तो उसने हेल्प की बहुत सारी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।